दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं ते मैं हिम्मत सिंह दिकपाल। जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता जिहड़ा किसानां दा जिहड़ा अंदोलन आ दिल्ली दे विच 34वें दिन दे विच शामिल हो चुका। 34 दिन हो गए ने दिल्ली दे विच लगातार किसानां दे वल्लों धरना प्रदर्शन किया जा रहा। पर उत्थे जेकर गल की जाए तो देश भर के जिथे किसानां दे वल्लों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उत्थे हर वर्ग के वल्लों भी चाहे वह किसानी का संबंध रखते हैं चाहे वह नहीं रखते संबंध, फिर भी नौजवानों वल्लों बजुर्गों वल्लों सारिआं वल्लों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं लुधियाना के समराला चौक दीआं। तुसीं देख सकते हो कि जो नौजवान ने जिहड़े हत्था दे विच बैंदर फड़े ने भारत देश नूं गुलाम किया जा रहा है बचालो। सो लगातार नौजवानों के वलों भी किसानों के हक के प्रोटेस्ट जारी ने। पंपलेट तुसीं देख सकते हो किसानों ने फड़े किसान नहीं जहान नहीं, किसानों की मदद कीजिए, देश को विकास को गति दीजिए, साडे लोकतंत्र नूं खत्म किया जा रहा है बचालो। सो लगातार नौजवानों के वलों भी किसानों के अंदोलन के हिस्सा पाया जा रहा है। गलबात कर लें कुछ नौजवान साढ़े नाल शामिल ने। सर जिहड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है लगातार दिल्ली के भी 34 दिन हो गए हैं किसानों के वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सरकारों के वालों मीटिंग का सिलसिला भी जारी है, पिछले 25 दिनों तो मीटिंग बंद हो गई, हुण आने वाले टाइम मीटिंग भी हो रही है, किवें तुसीं देखते हो इस चीज़ को? जिहड़ा साडे नाल किसानां नाल धक्का हो रहा वा उहदे बारे सानूं सारिआं नूं मिल के एकजुट होना चाहिए वा, कि जे हुण आपां लड़ाई ना लड़ी कल्ले कल्ले हो गए तो मुड़ के आपां इकट्ठे नहीं हो पावांगे। इस करके लड़ाई आपां नूं सारे साथियों रल के लड़नी चाहिए है, जय जवान जय किसान। तो कुछ होर नौजवानों नाल भी गल कर लैंदे आ। सब तो पहले तो भाई साहब तुसीं किसान हो जां तुसीं की करदे हो? मेरी एक हौजरी है जी छोटी जी, मैं व्यापारी वर्ग तो बिलोंग करता हाँ, मैं लुधियाना शहर साडा शहर है लुधियाना जी मेन समराला चौंक च खड़े हाँ अज किसान वीरां दे हक लई जी। जो किसान नहीं हो फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हो किसानों के हक? बिल्कुल देखो जी ये लोगों को वहम आ, जिहड़े लोग वहम च बैठे ने भी किसानों लई कानून है उन्होंने उस टाइम तो वहम च ये किसानों लई हर वर्ग लई ये कानून अज सानू गुलाम बनाया जा रहा। जो इत्थे दी साडी मौजूदा सरकार आ उसने साडे देश नू अबानी अडानी दे हक दे हत्था विच बेच दिता है। तुसीं चाहे रेलवे दे लो 50-50, 100-100 रुपया उन्होंने रेल का किराया वध गया, ठीक है ना। इस करके मैं व्यापारी वर्ग नू भी शायद छोटा वड्डा दुकानदार आ हर वर्ग नू, जे कोई किसान वीर नहीं हैगा दे पर वो जमीर वाला जरूर आ, तो मैं उन्होंने सारे बेनती करांगा भी अज किसान वीर का जिहड़ा भी ये प्रोडक्ट अंदोलन चल रहा ये कल्ले किसान वीर का नहीं है साडा सारिआं दा। मैं भारत देश दे लोगों नू ये गल कहना चाहना वीरो बाहर निकलो, किसान वीर का हक आ, किसान वीर दे नाल खड़ो। जे मैं अज कोई भी दे कोई होर वर्ग दे उन्हें धक्का होगा तो कल वो भी अंदोलन करूंगा। जे मौजूदा सरकारा सानू गुलाम ही बना लैणगियां तो फिर असीं कि अंदोलन करा? मैं एक सारे देश की एक चेतावनी कह लो चाहे बेनती कह लो भी दे अज जिदा अज साडे किसान अंदोलन नू बदनाम किया जा रहा, खालिस्तानी के नाते बदनाम किया जा रहा, अत्तवादी के नाते बदनाम, ये गोडी मीडिया यो बदनाम करती पी है, ये किसान वीर तो जाके तो देखो नैशनल मीडिया खिलाफ है, पंजाब का मीडिया किसानों के नाल बिल्कुल किसानों के नाल। मैं धन्यवाद करता थोड़ा सवेरा वाले का भी तुम साढ़े नालों किसान वीर के नालों वर्ग के नालों जिहड़ा गोडी मीडिया जिवें कहने बिल्कुल उन्होंने नाल आ, उन्होंने गलत चीज़ा दिखाईया जा रही। मैं बेनती करांगा दसो आ बच्चे खड़े ने असी खड़े ने असी कोई अत्तवादी लगते हैं? असी व्यापारी वर्ग आ शहरी वर्ग आ लुधियाना शहर दे आ, असी किसान वीर के अंदोलन के नाल आ। देखो आ शरीर जिहड़ा कुदरत ने साडा बनाया ये कुदरत ने जो शरीर बनाया ये अन्न आन मंगता रोटी मंगता ये धन दौलत नहीं मंगता, जे सू भुख लगती है शरीर रोटी मंगता, इस करके वो रोटी कौन उगा अन्न कौन उगा सा किसान बीज वीर हो जाना दे किसान वीर ही नहीं रहूगा तो असं कितने रवेंगे। मेरे वीरों मैं बेनती करना चाहना जेडे किसान वीर है साडे हक लिए लड़ते पे हैं, अज एक अंदोलन है पार्टियां बाजिया तो उठ के अंदोलन आ। मैं हर पार्टी के वर्गर ने भी कहूँगा भी पार्टियां के झंडे छड़ दो किसान वीर के हक चाहो, हर वर्ग में यह बेनती करांगा किसान वीर के हक जाओ, इदा का अंदोलन मुड़ के नहीं होना। दे अज जिदा सरकार लगे हुई हैं गोडी मीडिया लगे इन बदनाम करते दे अंदोलन फेल हो गया, तो मैं इस चीज़ की चेतावनी कि मैं एक सच्चे मन वाला कह रहा असी एक एक वर्ग एक एक इंसान मोदी दे बीजेपी सरकार उन्होंने गुलाम बना लगे दे अगे भी मुल्क राजा 9-9 साल राज किया अंग्रेजा ने 300 साल राज किया तो फिर यह किन्ने साल राज करने दे तुसी चाहुंदे हो भी असी गुलाम बन के रहना फिर मेरे वीरो ना साथ दिओ दे तुसी चाहुंदे हो असी आजाद मुल्क च रहिए ते किसान वीरां दा साथ दईए ये जिहड़े काले कानून ने यह सानू
मतलब मारन के कानून ने खत्म करने के कानून ने। भाजपा के आगू ने एक पंजाब के हरजीत सिंह गरेवाल लगातार उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि जो तीन बिल ने किसानों के हक के बेच है, पर किसानों के वालों कहा जा रहा है पंजाब के नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों वालों कहा जा रहा है भी ये बिल किसानों के हक च नहीं किसानों के विरोध के विच ने, पर हुण जिथे उन्होंने जिहड़े पिंड दे विच उन्होंने जमीन है उत्थे दे जिहड़े पिंड दे लोक उन्होंने वालों फैसला लिया गया कि जिहड़ी हरजीत गरेवाल की जिहड़ी जिन्नी भी जमीन है वो कोई भी किसान ठेके से लैके नहीं वाऊगा और वो कहिंदे गुंडागर्दी कर रहे हैं। हरजीत गरेवाल का बयान है भी किसान गुंडागर्दी तो उतर आए हैं। देखो जी पहले तो मैं उस गंदे बंदे का अपने मुँह से ना ही नहीं लियाऊंगा, वो गंदा बंदा है, उस बंद वो मेरे हिसाब ना गोबर खाता होगा, वो किसानों का उगाया नहीं खाता, जा वह परिवार पूरा गोबर खाना। देखो सच हक की आवाज़ चकनी हर वर्ग का जिम्मेवारी बनती है, इन्होंने की किया जी मौजूदा सरकार है, देखो सच हक की आवाज़ चकदा ना कदे तो टुकड़ा टुकड़ा गए कह दें, कदे उन्होंने खालिस्तानी के नाते कह दें, कदे उन्होंने अत्तवादी नाते, कदे उन्होंने गुंडागर्दी की गल, अपने देश के लोकतंत्र देश आ कि अपने अधिकार मंगने गलत ने कि असी सच हक की आवाज़ चक नहीं सकते, यदा मतलब साडे संघ के गूठा रखा जा रहा, साडे संघ के साडे साह बंद किए, जे इंसान के संघ के गूठा रखे तो सह ही बंद किया, यदा मतलब मृत्यु मर जूगा, इस करके गंदा बंदा गरेवाल ये बंदा बहुत माड़ा बंदा, इस बंद को मैं मीडिया वाले भीरों भी कहूँगा, इस बंद को तुम भी ना जाओ मेरे भीरों, तो मैं जेडे भीरे वो कहते ये स्टैप चक्या ना भी वह जी जमीन आ, मैं तो एक गल कहूँगा मेरे उत्थे के जोड़े पिंड के लोग आ, मैं तो कहना उस जमीन के उत्ते अपना हल चलाओ किसान भीरो, उस जमीन के उत्ते तारा ला दो, उस बंद का एंट्री बंद करो, पिंड भी एंट्री बंद करो, उस खेत के भी उस बंद की गरेवाल की एंट्री बंद करो। सो कुछ होर भी नौजवान साढ़े मौजूद उन्होंने भी गल कर, सब तो पहला की नाम है जी? मेरा भुपिंदर सिंह संधु जी। किसान हो या फिर की बिजनेस करते हो? नहीं मैं किसान तो नहीं, पर किसानों के नाल असी मोटे ना मोटा ला के खड़े हैं जी, मेरा अपना बिजनेस है इलैक्ट्रीशियन का कम है जी मेरा अपना, पर असी किसानों के नाल मोटे ना मोटा ला के खड़े हैं जी। दिल्ली भी गए हो तुसी, जा के जाना वा? नहीं मैं दिल्ली जाया जी, उत्थे तां निहरा पंजाबी है जी अपना, जिदा अपना इत्थे तां पंजाब आ, दिल्ली तां उन्होंने किसानों ने निहरा पंजाबी वसाया होया जी पूरा। पंजाब के उत्ते ने या फिर पंजाब खास करके पंजाब के नौजवानों उत्ते एक बहुत वड्डा आरोप लगाया जाता है, चाहे वह केंद्र की सरकार होती थी या फिर कोई होर पार्टी होती, उन्होंने वालों कहा जाता है, एक फिल्म भी बनी सी उड़ता पंजाब, उन्होंने वालों कहा जाता है कि जो पंजाब के नौजवान ने यह नशेड़ी ने, तो हुण जो नौजवान उत्ते पहुंचने तुसीं किवें देखदे? मैं कहना जी नशेड़ी की तो तुसीं गल ही खत्म कर दो जी, यह तो बस गल्लां जिन्नियां कहते ना जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां, मैं तो कहना उत्थे जाके बंदा देखे फिर पता लगता भी बंदा कितने कि नशेड़ी है तो की है, उत्थे बेचारे साढ़े जिम वाले मुंडे जिहड़े भी अपने काम कार करते हैं सारे छड़ के, मैं कहना भी किसानों के नाल हक दे नाल हक ला के खड़े ने, और जो भी मैं उन्होंने जो भी सेवा लाते हैं उस टाइम वो नाल हाजिर होंगे ने जी अपने। हाँ जी तुहाडे की विचार ने जी? हाँ जी असीं किसान वीर दे नाल आ जी, किसान वीर दे जिते इन्नी ठंड च दिल्ली बार्डर से बैठे है उन्होंने हक वास्ते असीं भी सबराला चौक जी खड़े हैं, तो उन्होंने नाल हर वक्त खड़े रहेंगे। मेरा टेंट हाउस का बिजनेस है जी, पर असी उनका किसानों के नाल हाँ, क्योंकि जे किसान ही नहीं रहेगा तो कौन उनका होगा, साडा अन्नदाता किसान है, साड़ी तो सारिक यही गुजारिश है कि यह ना सोचो कि खाली किसान वीर ने यह काम करना है, यह तो सानू सारे चाहिए, साडा जमीन खुद का होना चाहिए कि सानू अपने अन्नदाता के नाल खड़ना चाहिए। सो लगातार जो नौजवानों के वालों जो प्रदर्शन किया जा रहा किसानों के हक के, कुछ नौजवानों ने जी हरजीत सिंह गरेवाल ने भाजपा के आगू ने उन्होंने भी तिखे वार किए ने, उन्होंने कहा जा रहा है कि जो भाजपा के जो हरजीत गरेवाल आगू ने इन्हों किसानों का साथ देना चाहिए। कैमरा परसन पवन के नाल हिम्मत सिंह दिगपाल, दैनिक सवेरा लुधियाना। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94648 84374 94648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।